देगरा शहर के गवलीपुरा में स्थित नगर पालिका की प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी उर्दू शाला क्रमांक 2 में वाटर फिल्टर व वाटर कूलर का उद्घाटन समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इसके साथ ही यहां आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षिका हजन अनिसा शाहीन को विदाई भी दी गई। गौरतलब है कि उर्दू शाला नंबर 2 में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के मुख्याध्यापक सलीम हसन मीरावारी ने स्कूल के शिक्षकों और लोक सहभाग से किए गए विभिन्न सुविधाजनक कार्यों का ब्यौरा पेश करते हुए स्कूल से जुड़ी समस्याओं पर भी मान्यवरों का नाराकर्षक किया। इस दौरान उपस्थित मान्यवर प्रमुख अतिथियों सहित कार्यक्रम के अध्यक्ष आदि ने उर्दू तथा मराठी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर स्कूल के आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका हसन अनिसा शाहीन को विदाई दी गई, बल्कि नगर पालिका की मराठी तथा उर्दू प्राइमरी स्कूलों की अनेकाधिक समस्याओं के साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न मुश्किलों पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित अंजुमन उर्दू हाई स्कूल था जूनियर कॉलेज के पूर्व मुख्याध्यापक हाजी मकसूद सर और प्रभारी प्रशासन अधिकारी व मुख्याध्यापक पीबी भगत सर ने प्राइमरी स्कूलों और शिक्षकों की बुनियादी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उर्दू शाला क्रमांक 2 के मुख्याध्यापक तथा शिक्षकों की सराहना की। हम लोगों ने सिर्फ परवानगी ला कर दी थी, लेकिन इसको चलाने का काम आज ये भगत सर खऱ्या अर्थाने स्वयं अर्थशाही शाळा आहे, पण कोणत्याही प्रकारचा आते यांच्याकडे आपण न देता यांनी ज्या पद्धतीने या शाळेचं व्यवस्थापन केलं खऱ्या अर्थाने यांचं आपण कौतुक केलं। ज्या लोक जो संस्था के लोक लाखो रुपये अपॉइंटमेंट पर लेने के बाद में भी अनुदानित स्कूलों का ये व्यवहार अपने को देखने को नहीं मिलता, ये डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता, जो यहाँ पर भाजपा से भी नगर पालिका से अपने को मदद नहीं देते हुए इन लोगों ने जिस तरीके से स्कूल चलाया है काबिले तारीफ। लोकांत ठीक है, एक शिक्षकाला मजुरा पेक्षा ही कमी कमी मजुरी मिळणं, आता मजुरीच म्हणतो मी, पगार मिळणं हे फार दुर्दैव आहे। याचा विचार केवळ आपण अधिकारी किंवा प्रशासनानं करायला, जो राजकीय भाग आहे त्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये जर थोडस सहकार्य केलं, आता ज्या येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये पटेल साहेब आहे, मकसूद सर आहे आणि सलीम सर आणखी पुढच्या याच्यात येणार आहे, तेव्हा त्यांनी जर आपल्याला या बाबतीत सहकार्य केलं तर मी शिक्षकच आहे, प्रशासन अधिकारी म्हणून आता एक पद आहे, आपण तिथे कारभार सांभाळत आहोत, परंतु या सर्व गोष्टी जर राजकीय दृष्टिकोनातून जर घेतल्या तर या करणं काही अशक्य नाही आहे। तेव्हा मकसूद सरांना मीच विनंती करतो, तुम्ही याच्यात थोडस लक्ष घालावं आणि आमच्या ज्या अडीअडचणी आहे त्या सोडवाव्या। कुल मिलाकर पालिका की उर्दू शाला क्रमांक 2 में आयोजित कार्यक्रम काबिले तारीफ रहा। इस कार्यक्रम में हाजी शेख मुसा नागपुरे सर, हाजी शेख रन्नू सर, हाजी असलम सर, पालिका के पूर्व स्वास्थ्य सभापति रमजू पटेल के साथ ही नगर पालिका की मराठी और उर्दू शालाओं के मुख्याध्यापकों और शिक्षकों सहित मौलवी असलम मीरावाली आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोइस काजी सर ने किया, वही शेख रिजवान सर के आभार प्रदर्शन से इस कार्यक्रम का समापन हुआ। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।